चाहे मेरे लिए 2021 कितना भी टफ रहा, मैं सपनों के लिए अपना ध्यान डेडिकेट नहीं कर पाया, 100 आवर ए वीक वाली हैबिट नहीं बना पाया। 100 आवर तो क्या, मैं 50 घंटे भी नहीं दे पाया 7 दिन में। भले ही 2021 में मैं आइडिया चेंज करता रहेगा, भले ही बस बात करता रह गया आइडियाज पर, अरे वो ये कर रहा है, उसका इतना हो गया, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, फिर उसको देखकर मैं वो करने लग जाता हूँ जो वो कर रहा है, उसको देखने के बाद उसको करते वक्त फिर से किसी और को देखकर वो 2.0 आ जाता है, और जब वो 2.0 करता हूँ तो फिर से उस आइडिया पे काम करते वक्त किसी और को कुछ करते देखता हूँ तो वो 3.0 आ जाता है, तो मैं उसको करने लग जाता हूँ, और इस तरह से मैं आइडिया चेंज करता रह गया। इस तरह से केवल मैं पॉइंट चेंज करता रह गया, किसी एक पॉइंट पर टिका ही नहीं। लेकिन आज मैं 2022 में एक पॉइंट पर टिकूंगा। कोई रिसोल्यूशन नहीं चाहिए, दुनिया के सारे रिसोल्यूशन एक तरफ, बस एक चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे अंदर आ जाए। दोस्तों, ये आपको अपने आप से बोलना है जो मैं अब कहने वाला हूँ। मैं 2022 में बस एक चीज़ करूँगा, और वो है किसी भी एक चीज़ पर टिकूँगा, किसी भी एक चीज़ पर टिकूँगा। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने ही हार्डवर्किंग हो, कितने ही होशियार हो, कितना ही सपोर्ट हो, कितना ही आपका नेटवर्क हो, आपको एक चीज़ पर टिकना ही होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, हिस्ट्री बोलती है, इतिहास बोलता है, डेटा बोल रहा है। जिस इंसान ने जिस चीज़ पर अपने ध्यान की शक्ति लगाई है, वही रिजल्ट्स लेकर गया है, उसके हाथ में ही रिजल्ट्स आया है, बाकी सब लाइन में रह गए, दूसरों के रिजल्ट देखते रह गए। दोस्तों, चाहे रिजल्ट्स आए या ना आए, चाहे मज़ा आए या ना आए, अच्छा फील हो या ना हो, क्योंकि फीलिंग्स टेम्पररी होती है, ये दिमाग कभी अच्छा फील करवाता है कभी नहीं। क्या मैं इस दिमाग के अंदर हो रही केमिकल एक्टिविटी का गुलाम बनकर रहूँगा? नहीं रह सकता। चाहे लहर उठ रही हो या पानी शांत हो, कुछ भी हो, दिमाग में कुछ भी हो रहा हो, मैं एक ही चीज़ पर काम करूँगा। दुनिया बोल दे इसमें स्कोप नहीं है, मैं तब भी उसमें ही काम करूँगा। ऐसा टाइम लाऊंगा कि जो लोग बोलते थे कि इसमें स्कोप नहीं है, उनको ही आने वाले टाइम में स्क्रीनशॉट भेजूंगा रिजल्ट्स के साथ। जो लोग बोलते हैं आप नहीं कर सकते, ये मत कर, ये कर, या फिर इंटरनेट पर देखते हो कि लोग तो ये कर रहे हैं, तो क्या मैं भी ये करने लग जाऊं? तो क्या मुझे भी ये करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद के आइडिया पर यकीन करना है। हर कामयाब इंसान ने यही किया है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इन सब ने सिर्फ अपने आइडियाज़ पर यकीन करा, सिर्फ अपने मन की सुनी। जो इंसान अपने मन की सुनता है, आने वाले टाइम में दुनिया उसकी सुनती है। और जो इंसान बाहर का शोर सुनता है, उसको बाहर का शोर सुनाई दे रहा है। लोगों की कामयाबी देखकर अपना इरादा चेंज कर रहा है, अपना आइडिया चेंज कर रहा है, उसकी कोई नहीं सुनेगा। जो मन की सुनेगा, उसकी दुनिया सुनेगी। आई विश आपका 2022 आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर बने। ना मैं कुछ आपके लिए बड़ा कर सकता हूँ, ना आपका हुनर आपके लिए कुछ बड़ा कर सकता है। हुनर वाले लोग बहुत है इस दुनिया में। ना आपका तेज दिमाग आपके लिए कुछ बड़ा कर सकता है, ना आपका नेटवर्क, ना आपका पैसा, ना आपका सपोर्ट, बस आपकी एक ही हैबिट है 2022 आपका बेस्ट ईयर बना सकती है, वो है एक जगह ध्यान लगाना। इस पूरी दुनिया में जितना पैसा है, वो जिन जिन लोगों के पास में है, इस दुनिया की 99% दौलत 1% लोगों के पास है, और 1% दौलत 99% लोगों के पास है। और अगर इसको इक्वल कर दे, सबको बराबर बांट ले, सबके बैंक अकाउंट में एक ही अमाउंट हो, तो एक साल के बाद उन लोगों के पास फिर से पैसा चला जाएगा जो उस पैसे के लायक है, और उन लोगों के पास से फिर से पैसा चला जाएगा जो उसके लायक नहीं है।
जिस इंसान की ये हैबिट है फोकस रहने की, वो पैसा खींचता है, वो कामयाबी को खींचता है, वो सक्सेस का मैग्नेट है, वो चुंबक है। तो अगर आपको मैग्नेट बनना है, उसके लिए आपको फोकस रहना होगा, आपको एक ही चीज़ पर टिकते आना होगा, आपको लगातार एक्शंस लेने होंगे। और हाँ, जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, ये जो मन है, माइंड है, ये बहुत घूमता है इधर उधर, इस दिमाग पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। और अगर इतना आसान होता तो दुनिया का 99% पैसा 1% लोगों के पास नहीं होता। कुछ तो भोग देना पड़ता है ना यार, कितनी ताकत लगानी पड़ती है दिमाग को एक जगह लगाने में। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत क्या करने में लगानी होती है? बस एक जगह फोकस करने में। और जिस दिन ये हो गया ना, उसके बाद से आपको कुछ करना नहीं होगा, फिर अपने आप सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि आप मनी मैग्नेट हो चुके हो, आप मैग्नेट बन चुके हो, खींच रहे हो। आपको कामयाबी लेनी नहीं है, वो खींची चली आएगी आपके पास में। जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है, वो आपको लेना नहीं है, वो खींचा चला आएगा आपके पास। बस आपको एक चीज करनी है, और वो क्या है? एक चीज पर टिके रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आप नोटिफाई हों।